समर्थ उत्कर्ष समिति के बैनर तले ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी परेशानियां बताई। ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान को लेकर समर्थ उत्कर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। इस दौरान समर्थ उत्कर्ष समिति के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुचित्रा शर्मा ने बताया कि हमारी समिति जिले के ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत है। ट्रांसजेंडर समुदाय अपने जन्म और वर्तमान परिस्थितियों में अपनी पहचान हेतु प्रयासरत है और संघर्षशील। आज आर्थिक, चिकित्सीय, मानसिक, मौखिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याओं के साथ ये लोग आवास की समस्या का सामना भी कर रहे हैं। इस दिशा में हम कुछ संवेदनशील लोग मिलकर उपरोक्त समिति के माध्यम से इनकी परेशानियों के उन्मूलन हेतु पिछले कुछ सालों से प्रयासरत हैं। हमारी समिति ने यह पाया कि ये लोग कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर आज दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अपना केंद्र में रखा। हम लोग सब यहाँ समर्थ उत्कर्ष समिति के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और सबसे पहले इनकी जो बेसिक समस्या है, रहने की समस्या, क्योंकि कई ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग निकल के आएँ तो उनके लिए कोई आवाज़ की जगह हो, रहने की जगह हो। जैसे रायपुर में एक गरिमा गृह बना हुआ है, हम सब यही चाह रहे हैं कि यहाँ दुर्ग में भी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 250 के करीब ट्रांसजेंडर लोग हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं और उनका आधार कार्ड भी बना हुआ है, तो हम लोग सब चाह रहे हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, तो अगर इनको हम लोग कुछ सिखा सके, हम इनके लिए कुछ कर सके, हम चाहते हैं कि ये भी समाज के विकास के मुख्य धारा में जुड़ें, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्किल है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और हम लोग, हमारे बीच ट्रेनर हैं विनीता वैष्णव जी, हमारी उपाध्यक्ष शंकराचार्य कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अर्चना झा, और मेरी सचिव जो ट्रांसजेंडर कमेटी से आ रही है कंचन सेंद्रे, और ये उनके साथ के लोग हैं। हमारे साथ दो लोग और भी हैं पर अभी वो नहीं आए हैं। तो हम लोग सब मिल के एक ही उद्देश्य को सामने रख रहे हैं कि हम इनके अंदर की जो प्रतिभा है, क्षमता है, उसको हाईलाइट कर सकें, उसके लिए हम लोग कोर्सेस चला सकें ताकि ये लोग अपनी प्रतिभा का उपयोग करके मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएं। आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात किया और हम लोगों ने मांग किया कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो योजनाएं बनी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से, उसका जो योजनाएं है उसका समीक्षा किया जाए, ताकि जो हमारा जो समाज है जो काफ़ी लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसी संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मुलाकात किया और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि पुलिस विभाग और ट्रांसजेंडर को एकजुट करने के लिए, जो ट्रांसजेंडर के साथ जो होने वाली समस्या है, कई बार हम देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो पुलिस स्टेशन में FIR नहीं करा पाते अगर उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है, तो उनको जोड़ने के लिए एक वर्कशॉप कराने के लिए हम लोगों ने SP साहब से मुलाकात किया हुआ है। दिक्कत की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने आवास के लिए लगातार जिला प्रशासन से हम लोगों ने निवेदन किया है और आवास नहीं होने के कारण बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर हैं वो बहुत ज़्यादा रेंट दे के किराए पर रहते हैं, और उसी समस्या को लेके हमने जिलाधीश महोदय से भी मुलाकात किया और उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि वो जल्द से जल्द हम लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।